जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रही होगी। इस शख्स का नाम है राज ठाकरे और इसकी पार्टी का नाम है MNS, महाराष्ट्र के अंदर इसकी पार्टी है। दोस्तों ये अपनी राजनीति जमीन खोते हुए देखकर इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। राजनीति जमीन को दोबारा से उजागर करने के लिए, अपनी जमीन तलाशने के लिए इसने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी। जैसे ही रमजान स्टार्ट हुए तो से इसने अपनी पार्टी की एक सभा थी वहां पर इसने एक बात बोली, विवादित बयान दिया। इसने कहा कि जो लाउड स्पीकर से मस्जिदों में अजान होती है, अगर ये मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हम जब अजान हुआ करेगी मस्जिद के अंदर तो लाउड स्पीकर से, तो हम मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे 3 गुना ज़्यादा आवाज़ से। तो सर जैसे ही ये बयान इस राज ठाकरे ने दिया वैसे ही दोस्तों इसकी पार्टी के अंदर इसका ही विरोध होने लगा। आखिर क्या है पूरी खबर, स्क्रीन पर देखिए। राज ठाकरे के अजान को लेकर दिए बयान का पार्टी में ही हो रहा है विरोध। मुस्लिम पदाधिकारी ने छोड़ी पार्टी। पुणे से MNS के एक मुस्लिम पदाधिकारी ने राज ठाकरे की उस चेतावनी के बाद पार्टी छोड़ दी जिसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर से अजान का विरोध हनुमान चालीसा बजाकर किया जाएगा। शाखा अध्यक्ष माजिद शेख ने एक मराठी चैनल से सोमवार को कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्वाचित सेना में सांप्रदायिकता के घुस आने के चलते इस्तीफा दे दिया है। शेख ने कहा कि राज ठाकरे राज्य के विकास के बारे में बातें किया करते थे लेकिन अब वे अपनी राजनीति के लिए जाति और धर्म का समर्थन ले रहे हैं। इस बीच राज्य के मंत्री नितिन राउत ने कहा कि राज ठाकरे इस तरह के बयानों से गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहे हैं। तो सर आप देख रहे हैं एक इनकी ही पार्टी के एक माजी शेख हैं जो शाखा अध्यक्ष थे, उन्होंने ही अपनी पार्टी पर सवाल उठा दिया, पार्टी छोड़ दी और कहा कि ये जो राज ठाकरे पहले ये महाराष्ट्र के विकास की बात करते थे, अब ये विकास की बात नहीं करते हैं, धर्म और जाति की बात करते हैं और अपनी राजनीति जो ये ख़त्म हो रही है, अपनी राजनीति जमीन जो ख़त्म हो रही है उसको दोबारा से लाने के लिए ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े ही दुख की बात है कि हमारे देश में इस तरीके के नेता हैं, वो हिंदू और मुसलमान कर अपना फायदा लेना चाहते हैं और सत्ता में बैठना चाहते हैं। और जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत ही ज़्यादा समझदार है। आप अगर काम नहीं करेंगे तो जनता आपको सत्ता से उतार कर फेंक देगी। अगर आप जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता के काम करेंगे, जनता आपको सर पर बिठाएगी। अगर नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, आप कॉलेज और स्कूल की बात नहीं करेंगे तो जनता आपको जूते मारेगी। अगर आप पाकिस्तान मंदिर हिंदू मुसलमान इन चीज़ों पर पढ़ रहेंगे तो जनता आपको उतार कर फेंक देगी। तो दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई वीडियो लिख रहा हूं तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।